किधर से देखूं मैं भैया, ये रोड पर जितने भी दर्शक है कृपया रोड का भी ध्यान रखें और विशेष ध्यान रखें, एक घटना घट जाए। काफी अच्छी गेंद, इतना ही सम्मान लिया शाकिर ने। अगर रुद्रपुर को बड़ा स्कोर हासिल करना है तो बहुत ही सोच समझ के और सूझबूझ के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जैसा कि अब तक के मैच में देखने को मिला है, काफी ज्यादा स्कोर किया है टीमों ने और खचाखच चमकी का एक ग्राउंड दर्शकों से भरा हुआ चारों तरफ। हमें कहीं भी दिक्कत कर जाए वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो तो लोग उस मैच का मजा लेने के लिए भरपूर तरीके से वहां पहुंचते हैं और पूरा आनंद लेते हैं मैच का, चाहे वॉलीबॉल का हो चाहे क्रिकेट का हो या अन्य भाई कोई गेम हो। छिनकी में होने वाला बढ़िया मुकाबले देखने को मिले हैं, पिछले मुकाबले जो मिले हैं बहुत ही जबरदस्त गेम। रिवर्स जीत खेलने की कोशिश मगर दोनों के लिए बिगड़ दी, यहाँ खतरनाक बॉलिंग करी बहुत ही बढ़िया। और सामने आते जो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही, काफी अच्छा प्लेसमेंट एक रन के लिए पारी को आगे बढ़ाते हुए ओवर की समाप्ति और ओवर की समाप्ति पर टीम का एम्पायर पिक्की का इशारा, पॉइंट बॉल। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं आते, काफी इनकी बल्लेबाजी का हमने लेकिन समय लेते हुए मार दिया है ऑफ की दिशा में पीछे फील्डर और मिस फील्ड हो गई है फील्डर पे, करना चाहिए चार रन। एम्पायर बिक्की का इशारा, चार रन पहली बाउंड्री आतिफ के बल्ले से आती हुई अपनी टीम के लिए। शॉट नौ रन की दिशा में, वालेकुम सलाम फील्डर से काफी रुचि सिक्स के लिए बेहतरीन छक्का, शानदार शॉट स्टेट ड्राइव लेकिन भागले फील्डर की काफी क्या खराब कहेंगे या अच्छी टाइमिंग के साथ लगाया और सिक्स कहेंगे बहुत अतीफ। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल मारने की कोशिश लेकिन काफी बाहर गेंद, डबल वाइड है ये तो मेरा कहना था गुरमेल भाई जैसे ये बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे बाहर दोनों फील्डर, और चार रन जानते हैं आप जी भाई जाते हैं बाबू जी क्या हाल हैं जाओ सब्सक्राइब एक बार फिर सामना करेंगे आते छोड़ दिया है गेम को समझ नहीं दिया है गेम को जानते हैं कि और एक सिक्स लग चुका है ऑलरेडी ओवर पे कोई बड़ा और रिस्क लेना नहीं चाहेंगे बॉलर काफी अच्छी गेंद के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक रन देते हुए रुद्रपुर के रेडर आसानी से रन चुराया। काफी अच्छी गेंद उसको उठाकर खेला लेकिन वहां काफी अच्छी फील्डिंग लेकिन समझ नहीं पाया गेंदों को दोनों ही फील्डर और छक्के के बाद 78 रन तो इन्होंने छक्कों से ही पूरे किए थे, मात्र 10 रन इन्होंने सिंगल डबल और फोर के लिए एक फोर भी चला था तो काफी अच्छी और मिसफील्ड देखने को मिली यहाँ पर और आप निकल गए देखते हैं कितना अपना विकेट को सामने राशिद और पहली पक 360 घूम गए और मिसफील्ड के लिए एक रन पूरा करेंगे दोनों तक रहा है और काफी से उनके ही रडार में रखी गई है उस पर आतिफ ने और बता दें अब तक आतिफ ने फिर से काफी खराब गेंद जैसा कि मैंने बताया कि अगर आतिफ को घेरना है आबिद जी ये चल रहा है छिनकी में गेंद करानी आतिफ काफी अच्छी गेंद यही गेंद रखनी होगी अगर आतिफ को चकमा देना है आतिफ को क्योंकि भागी की बॉल ये होता है बाकी देखते हैं अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद बाउंसर लगाया पहली गेंद पर बहुत जबरदस्त बाउंस वन बाउंस की चेतावनी देते हुए अंपायर की
विक्की जो अपना बहुत ही कीमती समय निकालता अर्जुन भाई, और बताओ गौरव यहाँ कैसा लग रहा कमेंट्री बॉक्स में तुम्हें धूप में बैठकर, और तुम्हारा अनुभव वाइट गेंद का सारा इसी के साथ विक्की का? जी धन्यवाद गुरमेल भाई। देखिए ये इंसान को ना ही धूप दिखती है और ना ही प्यास, काफी अच्छा। और इसी के साथ अंपायर विक्की का इशारा नो बॉल, नो बॉल जो कि विक्की अंपायर बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आते, और आपको बता दें इसी चक्के के साथ आते अपने अर्धशतक के बहुत बढ़िया रोका, और पीछे फील्डर काफी अच्छी फील्डिंग की, पीछे खड़े फील्डर ने एक ही रन पर रोका दोनों ही बल्लेबाज को, और समझ नहीं पाए बॉल को, थोड़ा सा बीट हुए, कट करना चाहते थे लेकिन बॉल निकल गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और चल दिए हैं बॉलर। काफी अच्छा बल्ला घुमाया और बॉल जहां पहुंची वाहिद कतली के पहला, और फिर बीट हुए किसी का ओवर की समाप्ति, और टीम का बढ़ता स्कोर 60 रन 60 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ। करें अजीम भाई तो हमारे मध्य बैठे हैं लेकिन उठा दिया है बात इतने नो मैन लैंड में बॉल गिरती है, 1 रन चुरा लिया। 48 के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं यहाँ, शानदार छक्का अच्छा कतली के बल्ले से निकलता हुआ, जैसे कि मैंने कहा था बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, अभी कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म। उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर मंच पर पहुंचे। अरे भारत को और सुलझे हुए संघर्ष से व्यक्तित्व और सम्मानित लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पर पहुंचे और गुलशन सिंधी से भेंट प्राप्त करें। एक्स्ट्रा गेम चल लिया 5 रन सिंधी जी का बहुत ही सुलझे और गली व्यक्ति के इसी के साथ आतिफ के बल्ले से निकलता हुआ एक और 50 होती है। पड़ोसी गांव जसपुरी से बिलोंग करते हैं, जन्मदिन में इनका आरोपी को अपनाते हैं गुलशन सिंधी जी, राजनीति में काफी अहम भूमिका और योगदान निभाते हैं हमारे गुलशन सिंधु जी, पुत्र हैं ये जयपुरी के जन्मे और आज पूरे उत्तराखंड में मजा लेने के लिए आए गुलशन भैया, और ये हवा में और देखना चाहूंगा एम्पायर का इशारा 6 रन एम्पायर का इशारा 6 रन भाई भाई लालच में आते हुए पैसों का नाम सुनते ही। धन्यवाद भैया, मैंने के बताया जैसे कि आप इनामों की घोषणा लगातार भैया जारी करते हुए बहुत ही बढ़िया, जिनकी में इस मैचों का आनंद लेते हुए बहुत बढ़िया गेंद उसी के साथ बॉल गई विकेट कीपर के हाथों में, बहुत बढ़िया स्कोर बोर्ड चलता हुआ मैच का भाई सगीर भाई, इतने भाई आए हैं मैच देखने। ओह माय गॉड बेहतरीन छक्का, कवर के ऊपर से मारते हुए कतली, ये बेहतरीन छक्का 500 रुपए ओपनिंग से आए हुए काफी डटे हुए हैं। ओह चौका बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए राहिद खान, क्योंकि मैंने कहा था जैसा कि पंप 200 रुपए के आउट बोल्ड करने पर खड़ी कर दी है राहिद ने, बहुत ही ऊंची नीचे फील्डर है मौजूद और कैच ड्रॉप, काफी आसान कैच, बॉल को कैरी नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है लेग स्टंप के साथ ऊपर से गई बॉल वाले अंपायर ने, काफी अच्छी गेंद, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जवान जवान जानता है ये पैसों का नाम सुन के अब उनका बल्ला रुक नहीं रहा है कतली का, हर बॉल पे मारने की कोशिश कर रहे हैं।
कहाँ हो सामने बल्लेबाज खड़ी कर दी है राइट ने छक्का मारने का और कैच ड्रॉप और एक बार फिर कैच ड्रॉप कर रहे हैं रुद्रपुर वाले हमारे पड़ोसी गांव से गुलशन भैया जी बेहतरीन छक्का एक और धनाधन कतली के बल्ले से निकलता हुआ इन्होंने अपना कीमती समय दिया हर छक्के पे 105 काफी अच्छा शॉट हेलीकॉप्टर शॉट इतनी अच्छी बॉलिंग उतना ही खोद के निकाल लिया बॉल को सिंगल रन के लिए और जैसे कि हम बता रहे थे अपने मुख्य अतिथि के साथ में हमारे ग्राम के सिंकी ग्राम के और सदस्य मेंबर अजय भैया और धर्मू भाई और हमारे व्यक्ति आए हैं सभी का हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं इन्होंने अपना बॉल यार यही डालनी है रिचा हो हाँ रिचा रिचा दरों के पास रिचा जो है वहीं पर ही है भाई काफी अच्छा नीचे ही शॉट पीछे फील्डर काफी तेजी से आया कतली फैन कतली फैन और कतली भाई रन मार रहे हैं इस टाइम दबा के 12 और मार लगा के लेकिन बल्ले का बाहर ही किनारा लगा और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया रिचा में कहां पर हो बल्लेबाजी कर रहे हैं हम बता चुके हैं रिचा में जैसा कि मैंने बताया था बेहतरीन शॉट नजर में रखते हैं उतनी ही अच्छी टाइमिंग 6 रन और अफसोस भी है कि अब तक इच्छा से 2-3 किलोमीटर है अंदर और इसी बात पे तालियों से स्वागत करते हुए ग्राम छिलगी के जो भी खिलाड़ी है क्योंकि जानते हैं कि काफी अच्छा टैलेंट है भैया काफी अच्छा टैलेंट है अंदर लेकिन वो हिसाबे संसाधन न होने के बच्चों जितने भी बेहतरीन छक्का आने वाली पीढ़ी गगन चुम्बी छक्का कजली के बल्ले से निकलता हुआ जब से उन्हें पता चला हर छक्के पे 500 पूछ लेना टूर्नामेंट का हो रहा है बता देगा एक और कतली के बल्ले से निकलता हुआ नीचे फील्डर मौजूद और ये 6 रन बब्बरपुर से माफी चाहता हूँ हर पाए राजनीति का राजनीति की हर पहलू को जानते हैं समझते हैं और कतली की वीडियो भेज देना बहुत ही आप पोस्ट कर दूंगा भाई पोस्ट कर दूंगा रूल लाल आती है जो करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ पूर्व विदेशी उमर अजीम भाई हमारे साथी धर्म सिंह जी बिजू भाई हमारे लिए और सामने बैठे हुए सारे जितने भी मैच को देखने वाले हजारों लोग सैकड़ों लोग दर्शकों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट और धन्यवाद करता हूँ कि आपने आकर के यहाँ पर मैच का मनोबल बढ़ाया जीवन में यहाँ के बच्चे बच्चे से जिस प्यार किया है वो मेरा दिल जानता है बेहतरीन छक्का एक बार फिर कि मैंने चिल्की के किसी भी बच्चे को कभी भी कतली हाथी भाई के बल्ले से निकलता हुआ है बेहतरीन उसके लिए बैच की दवाई दिलवा रहे रात को 2 बजे के तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ दुख सुख का सहयोगी हूँ साथी हूँ और जो टीम यहाँ खेल रही है मैंने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी है और मैंने मैं इतना कहना चाह रहा हूँ पूर्ण इस क्षेत्र को काम आ सके मैं उसके लिए हमेशा साथ हूँ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब टीम को मैं घोषणा करना चाहता हूँ बुलाया मैं 1 सेकंड भाई बहुत ही खतरनाक रूप में मुंबई गोवा तक खेलने जाए मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर धन्यवाद शुक्रिया आतिफ भाई के बल्ले से निकलते हुए धनाधन छक्के गगनचुंबी छक्के खतरनाक खेला दोनों ही टीमों का ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर पहुंचा लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो कि आतिफ ने प्राप्त कर ली है पूरा मैच जो हुआ था तो क्लोज कर लिया है और 93 पर पहुंच चुके हैं आतिफ जो कि अब लगता है कि शतक भी बनाएंगे काफी ऊंची गेंद नीचे फील्डर 6 रन आपको बता दें जितने छोटे हैं कतली उतने लंबे लंबे दोनों ही गुरु चेले आतंकी से प्लेयर ने शतक नहीं जला है इस मैदान पर लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं के लिए हम खामोश रहेंगे।
दोनों ही बल्लेबाज आतंक मचा रखा है, दोनों पे आती बाई खेलते हुए देखते हैं शतक करते हैं नहीं करते हैं पूरा। और जोरदार अपील अंपायर ने नकारा, एक रमा पब्लिक कह रही है आराम से आतिफ भाई आराम से। इसी के साथ अपना शतक पूरा करते हुए आतिफ खान, पब्लिक ने वेलकम किया उनका शतक मारने पर। एक तरफ गुरु एक तरफ चेला, खतरनाक खेला रिछा में, कतली भी दनादन छक्के मार रहे हैं। उसके खून में बसा हुआ था क्रिकेट, वो चाहता था कि मैं रात दिन जो दिन नहीं देखते थे रात नहीं देखते थे और संगर फार्म के ग्राउंड में पसीना बहाते थे, एक नाम जानता है और गौरव कोई घोषणा करेंगे, मैं जानना चाहूंगा क्या घोषणा है वो। बाइट बॉल किसी का आतिफ ने कहा 14 नहीं मैं 1400 छक्के मारूंगा, यहाँ कोई भी रिकॉर्ड होगा उसको मैं तोड़ कर जाऊंगा। ओह माय गॉड, ये आतिफ भाई को आज क्या हो गया है, 200 का आंकड़ा जो कि दरों ने छू लिया है और उसमें अहम दो बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट आतिफ के बल्ले से निकलता हुआ, छक्के पे छक्का छक्के पे छक्का छक्के पे छक्का, छक्के से नीचे बात ही नहीं कर रहे आतिफ खान खिलाड़ी। एक और छक्का निकलता हुआ आतिफ के बल्ले से, आतिफ खान बेहतरीन शानदार पारी खेलते हुए जाते हुए आतिफ खान। ओवर खत्म हो चुके हैं, चल रहा है बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आतिफ खान, क्वालिटी 1080 में चलाइए बढ़िया क्वालिटी आएगी। बबलू बबलू हमारे भतीजे की फरमाइश है, जो बबलू अच्छा है बबलू धन्यवाद, हमारे पड़ोसी हैं बबलू पुराने। गाड़ी गाड़ी तो ऐसे घुमला के ना जाए यार, थोड़ा लहजा बिल्कुल है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। और पहली बॉल वो भी वाइड बॉल से खाता खोला है यहाँ रुद्रपुर ने, स्कोर खड़ा किया है यहाँ दरों ने। और ये पूरी सेम कॉर्ड गैप में मगर फिल्डर मैच अच्छी और फिर घुमा के खेलना थे, सिंगल खेल लिया यहाँ दोनों ने ही अपना खाता खोला एक एक रन से। बहुत अच्छी बॉलिंग देखने के लिए मिल रही है और मिस फील्डिंग हो रही, इसी के साथ एक रन और चुराया। ये बैट का है भाई का बॉल है यार साजिद भाई, नाम में थोड़ी दिक्कत होती है और नौ बॉल प्लस चार भी जुड़ेंगे बाई के, इतना तगड़ा ओवर फेंकेगा 10 रन का, वो 10 रन का ओवर तो साफ है यहाँ। बहुत अच्छी बात, बढ़िया बढ़िया, कोई फ्री हिट का फायदा नहीं मिला यहाँ रुद्रपुर के खिलाड़ियों को। अरे यार मुनब्बर यार, अरे तो हाथ दूसरा, मेरा हाथ में आ गया, चार रन मेरे हाथ में आ गए, तो
हाथ तो वो लगाएगा कीपर है, वो तो पूरी कोशिश करेगा भाई, तुझे लेना चाहिए था। दो गोले हुए हैं और कीपर भी बैठ के लाइव मैच दे सकते हैं ये। अरे यार लंबा झटका बहुत प्यारा कैच, बहुत अच्छा कैच, तगड़ा है ये। जो नया बोला पुराना बोलो ज्यादा बंदे भैया यार, पहले भी घुमा के मारना चाहते थे मगर बॉल कीपर तो बढ़ गया बेटे। कुछ कहे क्यों, कोई जवाब तो दो। समाप्ति देखते हैं किस तरीके से इस गेंद का सामना करेंगे आप। और मुनब्बर की बहुत ही घटिया फील्डिंग, मिस फील्डिंग, बेहतरीन छक्का बंटू के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का, सबको भी जैसे कि बारिश हो गई है यहाँ पर। तोड़ते हैं और यह मुनव्वर ने कैच छोड़ दिया, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। आतिफ भाई ना खुश होते हुए मुनव्वर की कीपिंग से, शायद ये हल्के में लेते हैं, ले रहे हैं इस टीम को, उन्हें पता नहीं कि अगर किसी बल्लेबाज का दिमाग घूम गया तो वो छक्के चौके से नीचे बात नहीं करेगा और ये कैच उनको फिर बाद में पछताना पड़ेगा। पूरी तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं, चैन खुली की मैन खुली, बल्ला भगाते हुए बल्लेबाज खड़ी कर दी है और साइड बॉल के नीचे बेहतरीन कैच। दूसरा झटका लगता, देखते हैं अगली गेंद का कैसे सामना कर पाते हैं। और रिवर्स स्विंग पे तैयार हो गए और घुमा के चला दिया अल्लाह पीछे, फील्डर निकल गया चार रन। जी हाँ बिल्कुल निकल गए बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए, जो लाइव मैच चल रहा है। और बेहतरीन बॉलिंग साकिर ने बोल्ड कर दिया है, को लगने वाला ये तीसरा झटका। बदला ले लिया तूने बोल्ड का, अच्छी गेंद बल्लेबाज कह रहा हूँ लगातार अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं बॉलर, दो गेंदें डॉट करा दी हैं। वसीम ने काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, वसीम फील्ड भी आता है, रन बेहतरीन छक्का लगा रहा है, बेहतरीन छक्का एक और। दो छक्के लगातार दो गेंदों पे जड़ दिए हैं, काफी जबरदस्त शॉट लगा रहे हैं, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज, फिर मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। पांचवा ओवर थोड़ा लंबा होता हुआ बड़ा महंगा साबित हो रहा है, साठ रन हो चुके हैं मौजूदा, अच्छी गेंद लेकिन
ओवर की समाप्ति, बैटरों का कोई संपर्क नहीं। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम करंट स्कोर 60 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर दो गोटी बता दें साकेत सर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम की तरफ से छठा ओवर। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ अर्जुन जबरदस्ती स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वाइड का इशारा, आप बताएंगे जरा आपके जमे में आप सब 148 145 150 152 तक फेंक लेते थे, तो ये क्या समझ आ रहा है आपको? उस समय लैडर की बात हुआ करती थी, लैडर से मैच हुआ करता था, ऐसी पिच में ही लगनी चाहिए तभी इस रजट को कवर किया जाएगा, क्योंकि हमारा मैच भी से काफी बार पड़ता था। खेलना चाहते थे मगर बैट बॉल डन बॉल अनंतराता द्वारा पता नहीं कहां पर हो रहा है यार। असलम भाई जबरदस्त रन ये हो रहा है रिक्शा में और समाप्ति पर 6 ओवरों की समाप्ति पर उद्धव टीम का इसको 77 रन। जुमराज बनाई होगी जिसका चल गया वो छा जाता है। आप इसे देखते बहुत आगे निकल गए कोई दूसरा फील्डर बैठा और मिस फील्ड 4 रन खा के सेव तो बना ले। अभी नहीं कहा जा सकता एक तरफा मुकाबले के लिए, कुछ तो बोलो मेरे भाई। घुमा के खेला क्या बोले और ये 4 रन बॉल उठा के लाए इधर उन्हें 214 रन फिर घुमा के खेल दिया है और बेहतरीन कैच सागर के द्वारा आतिफ खान को मिलने वाला बाल ना भेजे आपको और घुमा के खेल दिया है और कुछ ज्यादा ही मिस फील्डिंग तुम्हारा फोन मुझे पता ही नहीं चलता मुझे तालियां बजा दे कम से कम अपने खिलाड़ी के हौसला अफजाए तो कर दे। इतने पे भी ना खुश है क्या वो सारी माके खेल दिया है आमिर बिल्कुल आराम से बैठे बिल्कुल हाँ आराम से बिल्कुल वैसे बैठे हैं बॉल के पीछे ना भागे बिल्कुल आराम से बैठे घुमा के खेलना चाहते थे मगर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और सीधा लाइन पर सामने यहाँ चलता हुआ करने की जरूरत नहीं है भीड़ की कोई जरूरत नहीं है और एक रन चुराया है बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ और जबरदस्त थ्रू मगर नहीं लगा अगर लग जाता तो शायद आउट हो सकते थे हो चुका है लगभग मेरे हिसाब से 2 ओवर रन बाकी देखते हैं क्या होता है। 4 ओवर में लगभग 100 रन चाहिए बहुत ज्यादा होते हैं लगभग 25 के अगस्त रन चाहिए थे लगभग नामुमकिन है नामुमकिन कुछ भी नहीं है क्रिकेट है क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन नामुमकिन सा होता हुआ ये स्कोर अगर शुरू से ही ऐसी पारी खेलते साकिर अपने आगे बढ़ाते हुए और हमारे बीच आते हुए हमारे बड़े जो चौकी पर भारी है आने वाली 22 गेंद तक किसी का ही बल्ला कर घूम गया एक बार फिर साके काफी बढ़िया खेल दिया इस स्टेट में 4 रन के लिए चश्मा गोल लंबी गेंद को उसका भरपूर फायदा उठाया 6 रन आसानी से लगाया स्कोर बोर्ड
114 लगा दिए 102 स्कोर बोर्ड पर, तो उसको चेस करना आसान नहीं होता। मात्र 12 ओवर में 214 या 200 का आंकड़ा छूना काफी ज्यादा चरण हो जाते हैं वो, लेकिन अब नामुमकिन सा होता हुआ ये तो बढ़िया गेंदबाजी। क्या बीरा भाई को बॉलर बनाओगे क्या? उसका भरपूर नहीं उठा पा रहा बल्लेबाज, थोड़ा सा मौका मिल रहा है। अच्छी गेंद मुकाबला कर दिया और अच्छा शॉट लगा है ऑफ साइड की तरफ, काफी खोद के निकाली गेंद ऑफ साइड की दिशा से हो चुके हैं। बहुत बढ़िया शॉट लगा मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से पांच पांच छह रक्के भी लगाएंगे तब भी स्कोर मुमकिन सा हो रहा है। साजिद अपनी टीम के लिए अच्छी यॉर्कर गेंद, उसको खोद के निकाला फील्डर वहां मौजूद, मात्र एक रन, तीन बाउंड्री लगा, तीन छक्के लगाने के बाद स्ट्राइक चेंज हो गई है, अब सिंगल लिया और बैक टू बैक सिक्स लगा दो, बहुत बढ़िया शॉट। लगभग पांच छक्के लगाए इस ओवर में इन्होंने, हाईएस्ट स्कोर और शायद ये और दूसरी टीम शायद इसको तोड़ भी ना पाए क्योंकि 214 रन काफी 12 ओवर में 214 काफी बड़ा हो गया और छक्के लगातार दो तीन कैच छोड़े दूर नहीं ये बहुत 10-12 रन के स्कोर पर थे, मात्र 16 रन के स्कोर पर थे, तो बिल्कुल आसान था लॉलीपॉप कैच छोड़ा था स्टेट पर होगा। उसके बाद तो बल्लेबाज को जब एक दो जय की बात है, बल्लेबाज उसका भरपूर उसका फायदा नहीं उठा पा क्योंकि फिर भी देखने को मिल रहा मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी, लास्ट बॉल आना शेष, गेंदबाजी हमने भाई साहब से हमें एक बॉल होगा चाहिए। सॉरी कमेंट और इसी छक्के के साथ दर्व ने यह मैच जीत लिया है और आतिफ भाई की एक बेहतरीन शानदार पारी मैन ऑफ द मैच आतिफ खान और दर्व ने यह मैच जीत लिया है बहुत ही आसानी से। बहुत ही बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की आतिफ ने, 123 रन और 2